कि ट्रैक्टर के केस के जो मुख्य गवाह अभिषेक वर्मा उसकी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने वापस ले ली है तो CBI ने अजे तक उसकी स्टेटमेंट जो कोर्ट में 164 दर्ज करनी भी नहीं की। कोर्ट के नाल यह भी कहा कि इस तरह लगता कि दिल्ली पुलिस ने प्रॉपरली ये जी असैसमेंट या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं की। जिहड़े जज केस सुन रहे हैं उन्होंने एक लैटर आई है उसके विच जज नूं मारन की धमकी जो कंप्लेनेंट का कौंसल है उन्होंने मारन की धमकी नाले इस गवाह नूं अभिषेक वर्मा नूं मारन की धमकी तां सुखबीर सिंह बादल नूं ते हरसिमरत कौर बादल नूं कि वह सेंटर सरकार च बैठे आ वे वह क्यों नहीं सेंटर सरकार के राही CBI नूं कहिंदे कि वह क्यों टाइटलर नूं इन्नी ज़्यादा उसकी टाइटलर की मदद कर रहा हमायत कर रहा तो इन्वेस्टिगेशन स्लो कर रहे हैं। बीते दिनी टाइटलर केस दे मुख गवाह अभिषेक वर्मा दी सिक्योरिटी जो दिल्ली पुलिस ने वापस ले ली सी पर हुण इस मामले च नवा मोड़ आया है अते अभिषेक वर्मा नूं मुड़ सुरक्षा दित्ती गई है जिसकी जानकारी सीनियर वकील HS फूलका ने दित्ती है। मैं जिहड़ी कल इनफॉर्मेशन दित्ती सी कि टाइटलर दे केस दे विच जो मुख गवाह अभिषेक वर्मा उसकी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने वापस ले ली है तो CBI ने उसकी अजे तक उसकी स्टेटमेंट जो कोर्ट में 164 दर्ज करनी भी नहीं की। 5 साल तो CBI केस ले बैठी है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही तो हुण उसकी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने वापस ले ली है। अज असी कोर्ट के एप्लीकेशन पाई सी तो अज ये कोर्ट के एप्लीकेशन लगी सी तो कोर्ट ने अज ऑर्डर कर दिता कि अभिषेक वर्मा नूं सिक्योरिटी वापस दिती जाए। अजे सिक्योरिटी 4 हफ्ते लिए ऑर्डर की आ तो कोर्ट के नाल यह भी कहा कि इस तरह लगता कि दिल्ली पुलिस ने प्रॉपरली ये जी असैसमेंट या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं की क्योंकि जिहड़ी एक लैटर जज साहब नूं आई आ ये जिहड़े जज केस सुन रहे हैं उन्होंने एक लैटर आई आ उहदे विच जज नूं मारन की धमकी नाले मैनू जो कंप्लेनेंट का कौंसल है उन्होंने मारन की धमकी नाले इस गवाह नूं अभिषेक वर्मा नूं मारन की धमकी तो जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा कि वह जिहड़ी चिट्ठी उन्होंने हाई कोर्ट नूं भेजी सी हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर नूं भेजी आ कि तुसीं इहते इन्वेस्टिगेशन करो तो यह जो अभिषेक वर्मा की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने उस चीज़ को देखा ही नहीं वो लैटर को कंसीडर ही नहीं किया उन्होंने आज ऑर्डर किया कि तुसी ये अपनी जो असैसमेंट है रिव्यू करो वो लैटर भी नाल कंसीडर करो तो उदू मगरों जा डिसाइड करो इसकी सिक्योरिटी के बारे हुण पर देखो ये बड़े अफसोस की गल आ 5 साल हो गए 2015 असी कोर्ट तो यह क्लीन चिट जगदीश टाइटल मिली है रिजैक्ट कराई सी हुण 2015 तो अज 2020 बैठे हैं 5 साल तो CBI इस केस नूं लैके बैठी है 5 साल तो अगे कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं की थी 5 साल तो अभिषेक वर्मा की जो कोर्ट में स्टेटमेंट करवानी सी 164 की वह भी नहीं करा रही तो मैं जिमें कल भी एक गल कही सी कि इस तरह लग गया कि इन्हों की मंशा कि जगदीश टाइटल नूं बताने दी कोशिशां हो रही मैं हुण ये अज कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिता हुण असी उस तों बाद हाई कोर्ट भी जावांगे तो फिर उदू मगरों जो विटनेस प्रोटेक्शन कमेटी आदि अगे भी जावे पर जो बड़ा मुद्दा जो खड़ा हों कि यह सेंट्रल सरकार तो की है CBI तो की है दिल्ली पुलिस ये सारे रल के किसी साजिश के तहत ये ट्रैक्टर एडे वे कतलेआम सिखा के कातल न सज़ा दवाना चाहते हैं जनू बचा चाहते हैं बल्कि यह बड़ा वाला सवाल इतने खड़ा हों इतें मैं फिर उस तरह कहूँगा अकाली दल के लीडर सर सुखबीर सिंह बादल नूं ते हरसिमरत कौर बादल नूं कि वह सेंटर सरकार च बैठे आ भी वह क्यों नहीं सेंटर सरकार के राही CBI नूं कहिंदे कि वह क्यों टाइटलर नूं इन्नी ज़्यादा उसकी टाइटलर की मदद कर रहा हमायत कर रहा तो इन्वेस्टिगेशन स्लो कर रहे हैं क्यों नहीं वह टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट फाइल करके उन्हें सिखा दे हज़ारा सिखा के कातल करने के लिए टाइटलर नूं सज़ा दवाई जाती तो ये केस पूरी तरह जारी आ कोर्ट के असी पूरी तरह लड़ाई लड़ांगे पर मेरी सारयां बेनती आ कि जो BJP के लीडर तो जो अकाली दल के लीडर आ उन्होंने भी दबाव पाया जाए कि यह CBI कहन कि CBI इस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करे तो ट्रैक्टर बचाने की कोशिशां ना करे। इस दे नाल ही फुलका का कहना है कि टाइटलर केस के जज साहब और मुख गवाह नूं भी धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई सी जिस च जानो मारन की धमकी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।